हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपाचे 160 आर टायर का फ्रंट व्हील का टायर चेंज करेंगे। तो टायर चेंज करने के लिए फ्रंट व्हील का बोल्ट को निकालेंगे। तो अब देखें तो फ्रंट व्हील का बोल्ट को निकाल रहे हैं। तो की टायर पिन 1200 की। तो मैंने पिछले वीडियो में टीवीएस टायर के बारे में बताया था, तो उसको भी आप देख सकते हो। तो हम देखिए उसका फ्रंट व्हील को निकालेंगे। तो ओल्ड टायर को निकालेंगे। ओल्ड टायर भी टीवीएस रिमोवर था, तो नया टायर भी टीवीएस रिमोवर भी डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इसको टायर का भी नहीं चेंज किया। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख सकते हो नया टायर भी डालेंगे। तो हम देखते हैं जो ऑर्डर को निकाल रहे हैं। तो मैंने इसको लोकल में बदल रहा हूँ, लोकल दुकान में। तो हम देख सकते हैं इसको नया टायर को हम डालेंगे। तो नए टायर को इधर डाल रहा है व्हील में। तो आप देख सकते हो। नए वाला टायर को अंदर डालने से बाद आपको टायर को कोने पे सपोर्टर को डालना है, ताकि एयर ना पहुंचे इरिटेट हो। तो उसको पूरा हम फिट किया था, आप देख सकते हो। तो इसको साइड में कोने पे सोप वाटर डालेंगे, ताकि एयर टाइट हो, एयर बाहर ना आ सके। तो आप देख सकते हो इसको एयर टाइट किया हमने। तो फिर इसको व्हील में डालेंगे, बोल्ट डाल के इसको फिट करेंगे। तो आपको सावधान से इसको करना है, ताकि डिस्क ब्रेक और इसमें साइड सेंसर होता है स्पीडोमीटर का, उसको ठीक सर से आपको इसको बैठ के बोल्ट को डालना है। देख सकते हो, थोड़ा सावधान से इसको बैठना है। हमने इसको तीनों को एक साथ मिलाया, तो अभी इसको बोल्ट को डालेंगे। अब देख सकते हो हमने बोल्ट डाल दिया। तो इसको फटाफट टाइट करेंगे। तो टाइट करने के बाद कुछ इस तरह दिखेंगे। तो अब देख सकते हो। तो बस इतना ही था आज का वीडियो में। फिर मिलेंगे दोस्तों।